नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 फिफ्थ क्लास जो कि 15 अप्रैल 2021 की है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दे रखी है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं और इस कहानी में कुछ शब्दों को ब्लैक इंक से हाईलाइट कर रखा है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी, उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो मुझे पढ़ाना कैसे आएगा मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। तो जैसा कि आप सभी के साथ आजकल हो रहा है कि पढ़ाई के लिए हम फ़ोन पर डिपेंड हैं और हमारी सभी की टीचर्स फ़ोन के थ्रू ही हमें पढ़ा रही हैं, तो ऐसा ही मुनिया के साथ भी हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस पूरी कहानी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि काले रंग से लिखे हुए हैं, जैसे कि उसका, वह, उसे, वह, उसकी, मैं, मुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें। तो ये सारे शब्द काले रंग से लिखे होने का मकसद क्या है? तो यहाँ पे ये सारे शब्द किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किए गए हैं। तो जैसे कि मुनिया की जगह वह लिख दिया या उसका लिख दिया या उसकी लिख दिया। तो यहाँ पे वो सारे शब्द जो किसी संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं सर्वनाम शब्द, जैसे कि राम खाना खाता है। तो राम यहाँ पे है एक संज्ञा, क्योंकि राम किसी का नाम है। लेकिन अगर हम इस राम शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो हम लिखेंगे राम स्कूल जाता है। मान लो ये शब्द है, तो राम की जगह हम लिखेंगे वह स्कूल जाता है। एक दूसरा अगर हम उदाहरण लें तो जैसे कि राधा नाचना पसंद करती है, तो राधा की जगह अगर हम कोई दूसरा शब्द यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि वह नाचना पसंद करती है। तो इन संज्ञा शब्दों की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उन सभी को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे पहला है, राजू झूला झूल रहा है। तो राजू यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी राजू संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द की जगह हमें वह या मैं, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिखना है। अब राजू एक लड़का है, वो लड़का मैं तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे मैं शब्द आ नहीं सकता, तो इसीलिए हम लिखेंगे वह। वह झूला झूल रहा है, यानी राजू झूला झूल रहा है की जगह अब हम बोलेंगे वह झूला झूल रहा है। अगला वाक्य है, इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। इनाया एक लड़की है और वाक्य है इनाया ने, और हमें यहाँ पे उसने या उसका, इन दो शब्दों में से किसी एक शब्दों का इस्तेमाल, किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना है। तो इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई है, तो हम इनाया ने की जगह लिखेंगे उसने, उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है, यानी जो वाक्य लिखे गए हैं उनमें गलत सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए, यानी हमें इनको सही करके फिर से लिख देना है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं। पहला है, मैंने एक किताब चाहिए।
ये पूरा वाक्य सुनकर भी अजीब लग रहा है क्योंकि ये गलत है। तो मैंने एक किताब चाहिए, तो मैंने की जगह हम मैंने को हटा के लिखेंगे मुझे। मुझे एक किताब चाहिए, अब ये वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी, ये शब्द फिर से गलत है, तो तुम को की जगह हम लिखेंगे तुम। क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तीसरा है, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर से ये शब्द मुझे गलत है, तो मुझे की जगह हमें कोई दूसरा सर्वनाम शब्द लिखना है, तो वो आ जाएगा मैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। फिर चौथा यहाँ पे वाक्य है, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर से इस पूरे वाक्य में तुम्हारे को एक गलत सर्वनाम शब्द है, जिसकी जगह हमें एक सही सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे तुम्हारे को की जगह हम लिखेंगे तुम्हें। स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो यानी सभी वाक्यों में जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ पे हम ठीक करके इस पूरे वाक्य को